प्रदेश और केंद्र सरकार की विफलताओं के विरोध में कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच लखनऊ में भी कांग्रेसी का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच हमारे संवाददाता विवांशु मौके पर मौजूद हैं, सीधे हम आपको उनके पास लेकर चलते हैं। विवांशु, आप मौके पर मौजूद हैं, कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? देख सकती है ये कांग्रेसी कार्यकर्ता राजभवन चले नारे के साथ राजभवन का घेराव करना चाहते थे। आपको बताया कि इससे ठीक पहले अगर बात करें तो यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग लगा दी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ रोका जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम राजभवन जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेता है, हम उनसे ही बात करेंगे। आप लोग की क्या मंशा है, क्या इस धरने का उद्देश्य है? लेकिन हम लोग
बस खड़ी है जिसमें तमाम सुरक्षा बल भी वहां मौजूद है। एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। यहां महिला कार्यकर्ताओं को विवश करने के लिए डिटेन किया जा रहा है। इस सामने एसीपी महानगर ठीक सामने एसीपी महानगर नेहा त्रिपाठी है जो कार्यकर्ताओं को समझा रही है, यहाँ से हटने की बात कह रही है। और बात की जाए तो कांग्रेस का हर एक जो प्रकोष्ठ है, यानी कि सेवा दल हो, चाहे NSCY हो, चाहे बात की जाए युवा कांग्रेस हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, सभी के पदाधिकारी आज यहां पहुंचकर और कहीं ना कहीं अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। ठीक सामने अगर बात की जाए तो सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि प्रदेश के अंदर में बढ़ती महंगाई से आम जनमानस परेशान है और इससे हमें निजात दिलाना होगा। इनका कहना ये भी है कि हम 2024 के अंदर इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव में आ रहे हैं और इससे बिल्कुल हमें उनका कहना है कि हम आम जनता की बात को उठा रहे हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि इस प्रदर्शन को जहां कांग्रेस पार्टी एक भव्य तरीके से आज प्रदेश के अलग अलग कोने से कार्यकर्ताओं को बुलाकर और यहां कर रही है, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस प्रदर्शन का क्या असर देखने को मिलता है। जी मयूरी देखें तो एक तरफ यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, वहीं आज सदन का दूसरा चरण था जिसकी कार्रवाई शुरू हुई, जहाँ विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित कर दिया गया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो इसमें राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए संबोधन को लेकर विपक्ष उनसे माफी मांगने की बात कही। आपको बताया कि बीते दिन राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे, जहां वो इस बात को कहते हुए नजर आए थे कि पार्लियामेंट में उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं और विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। इन सब आरोपों को लेकर आज सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदगण संसद के अंदर में राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कहे और इसी बात पर अड़े रहे, जिसके बाद सभापति लोकसभा के सभापति ओम बिरला की तरफ से सदन को 2 बजे तक के स्थगित कर दिया गया है। एक तरफ जहां आज सुबह सदन की कार्रवाई से पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज 16 दलों के साथ सर्वदलीय बैठक करते हैं और इस बैठक में आगे के जो निर्देश हैं वो दिए जाते हैं। साथ ही सदन जो अब चलने वाला है आगे के दिनों में, उसमें सरकार को कैसे घेरे इस पे रणनीति तय की गई। उसके ठीक बाद अगर बात करें तो आज देश भर के अंदर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तमाम देश के मुद्दों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ठीक सामने देख रही हैं NSCY के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही हैं, जिसे सुरक्षा बलों द्वारा रोका भी जा रहा है, तो अब इनका आगे का एक्शन क्या कुछ होगा? जी साफ तौर से मैं आपको बताऊंगा, अगर तो आप ठीक सामने देख रही हैं कार्यकर्ता हैं, अगर ये बैरिकेटिंग क्रॉस कर रहे हैं तो इन्हें डिटेन किया जा रहा है यहाँ से। और वहीं आपको बताया कि ठीक सामने तस्वीरों में बनारस से संसदीय चुनाव लड़ने वाले अजय राय भी मौके पहुंचे हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज बड़े नेता इस आज के धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुए हैं। इनका यही मांग है कि हमें राजभवन का घेराव करने दिया जाए और जो इनका कहना है कि जो संवैधानिक मूल्य है हमारा प्रदर्शन का, उसे न छीना जाए, उसे हमें दिया जाए और हम राजभवन जाकर ही रहेंगे, ऐसा कार्यकर्ताओं को कहना है। मगर अगर बात करें तो जो भी कार्यकर्ता इस बैरिकेटिंग को क्रॉस कर रहा है उसे प्रशासन की तरफ से उन्हें डिटेन यहां से गिरफ्त में लेके यहां से डिटेन किया जा रहा है। मयूरी विवांशु, अगर देखें चुनाव नजदीक है और लगातार हम देखें कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आ रही है प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर, फिर चाहे वो महंगाई हो, रोजगार हो, तमाम चीज हो। जी निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो ये प्रदर्शन 2024 और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है।
क्योंकि अगर बात करें मयूरी तो 2024 के चुनाव में अब एक साल बचा हुआ है, साथ ही अप्रैल और मई के अंदर में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं। और बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के पास महज 2 विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी की जो निचली इकाई है वो काफ़ी कमजोर हो चुकी है, मगर कहीं ना कहीं देखें तो कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी खोई हुई जमीन तलाशने का प्रयास कर रही है। तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कैसे यहाँ से लेके जाया जा रहा है, यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। इनके हाथों में अगर देखें तो कांग्रेस का झंडा है। मैं सहयोगी से कहूंगा कि आपको जूम करके दिखाएं, ठीक सामने बैरिकेटिंग है और बैरिकेटिंग में के ठीक पीछे अगर बात करें तो लगभग हजारों की संख्या में प्रदेश के अलग अलग कोने से कार्यकर्ता आए हैं। इनका बस यही कहना है कि हमारा जो प्रदर्शन है वो राजभवन तक था और राजभवन के चलो नारे के तहत हो रहा था और हमारी यही मंशा है कि हमें राजभवन तक जाकर जो हमारा संवैधानिक हक है कि हम अपनी बातों को रख सकें और प्रदेश की समस्याओं देश की समस्याओं को आगे उठाकर बात कर सकें, इनका यही कहना है कि हमें जाने दिया जाए। मगर ठीक सामने आप देख रही हैं कि अलग अलग पीएससी की कई गाड़ियां यहां मौजूद हैं, साथ ही इन कार्यकर्ताओं को गिरफ्त में लेकर लगातार डिटेन करने का जो प्रक्रिया है वो जारी है। जहां आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी और साथ ही नकुल दुबे दोनों प्रांतीय अध्यक्षों को डिटेन कर लिया गया है। ठीक पीछे अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी हैं, उनकी अगुवाई में पीछे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पीछे कूच करने के लिए आगे तैयार हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये प्रदर्शन का जो प्रदर्शन है इसमें आगे क्या मोड़ रहता है। अब देखने की तस्वीर में कि यहाँ कार्यकर्ता धीरे धीरे उग्र हो रहे हैं। आप ठीक सामने सहयोगी से कहूँगा कि एक कार्यकर्ता यहाँ बोर्ड को हिला रहा है और इनका कहना है कि हमें पुलिस गलत तरीके से डिटेन कर रही है। मैं सहयोगी से कहूँगा कि आपको नज़दीक से जाकर तस्वीरों को दिखाएँ, विजुअल्स को दिखाएँ और देख रहे हैं कि यहाँ पर जिद पे अड़े हुए हैं। कार्यकर्ता का कहना है कि मुझे मेरे संवैधानिक जो हक है उससे मांगने से बात करने से रोका जा रहा है। जी दर्शन में कौन बड़े दिग्गज शामिल हुए हैं? जी अगर बात करें मयूरी तो प्रदर्शन के अंदर में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, साथ ही प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे और आपको बता कि कांग्रेस पार्टी बीते दिन अध्यक्ष के साथ साथ प्रांतीय अध्यक्षों का चयन की थी, जिसमें से अगर बात की तो 2 प्रांतीय अध्यक्ष को अभी तक डिटेन कर लिया गया है। बृजलाल खाबरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ठीक पीछे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ के कार्यकर्ता कैसे उग्र हो रहे हैं, प्रशासन के साथ काफ़ी कसमकस देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ बैरिकेटिंग्स को कार्यकर्ता पूरी तरह से हिलाकर और ये कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमें राजभवन जाने दिया जाए, मगर प्रशासन की तरफ से इन्हें बैरिकेटिंग करके रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर इन्हें जाने से रोका जा रहा है। तमाम जो अगर बात करें तो तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के उन्हें डिटेन कर लिया गया है और प्रदेश से अलग अलग कोनों से आए कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा कि आपको वो दूर तक दिखाएं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से और राजीव चौतक यानी कि राजीव जी की जो प्रतिमा है देश के पूर्व प्रधानमंत्री की, वहाँ तक कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे यहाँ युवा NSCY के कार्यकर्ता पूरी अपने दमखम के साथ केंद्र सरकार और साथ ही साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनके हाथों में अगर बात करें तो तमाम ऐसे हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, साथ ही देश में और प्रदेश में बढ़ती महंगाई पे सवाल पूछ रहे हैं। संसद के अंदर में जो राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन में कहा है कि हमें पार्लियामेंट के अंदर में बोलने नहीं दिया जाता है, इन सभी मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर देख रहे हैं कि NSCY के कार्यकर्ता राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और इनका कहना है कि हम अपने नेता के साथ हैं और हमें जो हमारे संवैधानिक मूल्य है, जो हमारे संवैधानिक हक है, उसे खंडित ना किया जाए, हमें प्रदर्शन करने दिया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां लगभग 1 घंटों से कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच में अगर देखें तो लंबी कसमकस चल रही है। इन्हें डिटेन करने के लिए लगातार प्रशासन पुलिस बल यहाँ मौजूद है, इन्हें हटाने का प्रयास कर रही है। वहीं अगर बात की जाए तो इस प्रदर्शन से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में निकाय चुनाव और साथ ही साथ 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए प्रदर्शन काफ़ी अहम है। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ठीक पीछे बैठ गए हैं। ये अगर बात करें तो अलग अलग टुकड़ियों में कार्यकर्ताओं को गिरफ्त में लिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के चारों कोनों से अलग अलग जगहों से अगर बात करें तो
तो बीएसई की गाड़ियों से इन्हें यहाँ डिटेन किया जा रहा है। जी मयूरी, प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस कार्यालय से लेकर राजभवन तक बैरिकेटिंग लगा दी गई है। लगातार कांग्रेसी राजभवन जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। अब आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? आपको आवाज आ रही हमारी? सरकार की विफलताओं को लेकर कांग्रेसी बड़ी संख्या में दर्शन कर रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता विवांशु मौके पर मौजूद हैं और लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। पार्टी कार्यालय से जुलूस निकलकर कांग्रेस नेता राजभवन की ओर निकले तो रास्ते में पुलिस से झड़प हो गई है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के साथ केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही छापेमारी और मुकदमे को लेकर विरोध जता रहे हैं। प्रदेश भर से पहुंचे कांग्रेसी पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा हुए हैं, फिर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बीच रास्ते पर ही रोक दिया गया है। बता दें हमारे संवाददाता विवांशु मौके पर मौजूद हैं, जहां पे कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से संवाददाता विवांशु के पास चलेंगे। विवांशु, लगातार कांग्रेसी राजभवन जाने की जिद पर अड़े हुए हैं, वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जी मयूरी, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए यहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि काले कपड़े पर उत्तर केंद्र सरकार और साथ ही साथ अडानी को लेकर यहाँ पोस्टर भी लहराए जा रहे हैं। बताया आपको कि यहाँ से कार्यकर्ताओं को डिटेन करके और इको गार्डन ले जाया जा रहा है। इको गार्डन में सभी कार्यकर्ताओं को रिलीज किया जा रहा है। अगर बात करें तो लगभग दर्जनों से ऊपर गाड़ियों को यहां से भेजा जा चुका है और यहां तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे कि धीरे धीरे कांग्रेस के तमाम अलग अलग जो महिला कांग्रेस है, चाहे NSUY है, चाहे कांग्रेस है, सभी अलग अलग प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी यहाँ बैठ कर लगातार नारा लगा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जहाँ एक तरफ राजधानी लखनऊ की आप तस्वीर देख रही है, वहीं बात की जाए तो आज सुबह दिल्ली में जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में 16 दलों के साथ सदन के अंदर में कैसे घेरना है इसको लेकर चर्चा की गई, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से तस्वीर देख रही है जहां लगातार प्रशासन मौके पर है और बात की जाए तो प्रशासन के लोग इन्हें हटाना चाहते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उग्र होकर अब अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। आप ठीक सामने देख रही होंगी मयूरी कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लेकर साथ ही साथ प्ले कार्ड लेकर लगातार सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम इस प्रदर्शन से सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे इस प्रदर्शन से जो केंद्र और प्रदेश में जो इनका आरोप है कि जो सोई हुई सरकार है वो जगेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहाँ एक तरफ देश भर में देशव्यापी महंगाई और देश की व्यवस्थाओं के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, अब सदन के अंदर में कार्रवाई है। 2 बजे से अगर बात करें यानी कि लगभग 1 घंटे 10 मिनट के बाद सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी, तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस के नेता सदन में आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो पुलिस के उच्च अधिकारी भी यहां मौजूद हैं। बात करें तो सेंट्रल की ADCP अपना कौशिक, साथ ही साथ ACP महानगर नेहा त्रिपाठी समेत तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और ये लगातार कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं, यहाँ से डिटेन कर रहे हैं और डिटेन करके कार्यकर्ताओं को इको गार्डन भेजा जा रहा है। और बात करें तो मैं अपने सहयोगी से विजय से एक बार कहूँगा कि वो आपको तस्वीरों में दिखाएं कि कैसे कार्यकर्ताओं को जो हुजम है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और कार्यकर्ताओं की साफ तौर से यही मांग है कि हम
राजभवन तक जाएंगे और राजभवन चलो नारे के तहत ये आज का प्रदर्शन रखा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जहां कांग्रेस के प्रदेश के अलग अलग कोने से कार्यकर्ता और साथ ही साथ पदाधिकारी यहां इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए हैं। इनका यही कहना है कि हम राजभवन पे जाके अपना विरोध प्रदर्शन जताना चाहते हैं और सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं। जी विवांशु, प्रदर्शन में तमाम लोग मौजूद हैं, आप भी मौके पर मौजूद हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं, क्या आपकी उनसे बात हो पाएगी? जी बिल्कुल, मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि वो आए और हमारे सहयोग करें और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे संवाद साधने का हम प्रयास करेंगे। ठीक सामने आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, जो बड़े नेता हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो ये बैरिकेटिंग क्रॉस करके आप अपने हाथों में एक काला कपड़ा लिए हुए हैं जिसमें तमाम चीजों को लिखे हुए हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, तमाम चीजें नहीं है, उसको आप यदि पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है मोदी अडानी मुर्दाबाद। यहाँ पे बेरोजगार घूम रहा है, उसके लिए नौकरी नहीं है, गरीब मर रहा है, उसके लिए महंगाई की तोहफा दे रहे हैं, अपने यार को क्या दे रहे हैं? वो इतने सारे लोगों को भगा दिया यहाँ से देश चोरी करके। हमारा कांग्रेस का सिर्फ एक चीज है, जो अडानी का यार है वो देश के लिए गद्दार है। कहाँ से आया? कहाँ से आया? मैं बहराइच से आया हूँ, मैं पहले नेता नहीं था, मैं सेना में अधिकारी था। यह जनता का अत्याचार देखकर मैं सेना की नौकरी छोड़कर आया हूँ और मोदी और योगी को खुले तौर पर ललकारता हूँ। मुझसे नहीं देखा जाता है, मैंने 22 साल की उम्र में देश का लेफ्टिनेंट का पद लेके मैं कश्मीर में खड़ा था। आज का MBA करके इंजीनियरिंग करके जो आज का युवा है वो पकौड़े बेच रहा है, चाय लगाता है, दुख होता है मेरे को। हाँ, आप सुन रहे थे एक सेना के रिटायर्ड हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि मैं सेना की नौकरी छोड़ के और कांग्रेस पार्टी में आया हूँ, देश और प्रदेश की तमाम जो मुद्दे हैं उस पर मैं सरकार से सवाल करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं कुछ और लोगों से बात करने का, संवाद साधने का प्रयास करूँगा। मयूरी, आप एक बार, मैं अपने सहयोगी से फिर एक बार कहूँगा कि वो पहले तस्वीर दिखाएं। तस्वीर में आप देख रही होंगी कि एक लंबे समय से लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और जो तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो लगातार राजभवन जाने की मांग पे अड़े हुए हैं। वहाँ यहाँ भी आप देख रहे हो कि यहाँ अलग टुकड़ी एक बैठी है और बात करें तो ये कार्यकर्ताओं का बस यही कहना है कि हमें राजभवन तक जाने दिया जाए। हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर अब उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। यहाँ लगातार डिटेन की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। और अगर आप बात करें, दादा कहाँ से आए हैं आप? आए सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से आए हैं, आज के प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है? प्रदर्शन का उद्देश्य महंगाई, बेरोजगारी और जो तमाम समस्याएं हैं, जो अडानी को जो है मोदी जो है देश दे दे रहे हैं, पूरा देश बेच रहे हैं, इसी के बारे में हम लोगों का आज है राज्यपाल का घेराव है। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो आज सदन की कार्रवाई चल रही है, सदन की कार्रवाई को 2 घंटे तक स्थगित की गई है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो एक अपने कथन बोला था जिसमें उन्होंने कहा था कि माइक बंद कर दी जाती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये सब लफास है, झूठ है, जुमलेबाज है। हाँ, अब की बार 2024 में इनकी सरकार जारी है। क्यों उठाता है? जब व्यक्ति कोई बोलना चाहता है तो सदन में उसकी बात क्यों नहीं सुनी जाती है? जब एक प्रतिनिधि अपनी जनता की आवाज़ वहां तक पहुंचाना चाहता है, उनसे सवाल करना चाहता है, तो वो चुप्पी क्यों बांधे बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री हमारे पूरे देश का होता है, अगर हर जनता की आवाज़ अगर वहां तक जाती है तो उसकी आवाज़ को क्यों नहीं सुनी जाती है? और यही योगी मोदी, हम सारी जनता और सारे लोग कांग्रेस पार्टी के साथ है और आने वाले लोकसभा में इसका रिजल्ट, इसका नतीजा बहुत वैसा दिखेगा कि मोदी की चुप्पी, अब उसकी चुप्पी अब चुप्पी ही रह जाएगी। अगर बात की जाए तो 2022 में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी को कुछ सफलता हाथ नहीं लगी, 2024 में कैसे स्थिति बदलेगी? कहा जाए तो विधानसभा में बीजेपी ने डायरेक्ट अपना कॉम्पिटिटर सपा को ही चुन लिया था और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने सारे जितने विधानसभा क्षेत्र थे सच से वहाँ प्रत्याशी लड़े और दमखम के साथ लड़ा गया, मगर जब प्रशासन SDM DM 500,000 वोट पे ही जीत दिला देते हैं बीजेपी के कैंडिडेट को तो वहाँ सारी पार्टियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका विशेष कारण है कि शासन प्रशासन अपने हाथ में, ED CBI सब अपने हाथ में ले चुकी है।
फिर लौटेंगे बैंक में, एक बार सहयोगी विजय से कहूंगा कि दिखाएं कि यहां प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच एक नोकझोंक देखने को मिल रही है। ये कार्यकर्ता उग्र हो गए हैं और इनका कहना है कि हमें राजभवन जाने दिया जाए, हम राजभवन जाकर ही रहेंगे। आप यहां तस्वीरों में मयूरी देख रही होंगी कि कार्यकर्ताओं को यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। उसी क्रम में अब कार्यकर्ता प्रशासन के साथ उग्र होने का भी एक दृश्य नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती है कि इन कार्यकर्ताओं को यहां से हटाया जाए। मैं इनसे बात करना चाहूंगा, क्या कहेंगे, क्या क्या कहना चाह रहे हैं। और आज इनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, साफ तौर से ये गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। मैं कुछ और कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, उनसे भी जानूंगा कि उनका क्या कहना है। तो और बात करें तो महिला कांग्रेस की भी तमाम, अगर बात करें तो कार्यकर्त्री यहाँ आई हैं, NSCY के कार्यकर्ता आए हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी के, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के साथ ही साथ कई ऐसे बड़े नेता भी आए हैं जिनकी अगुवाई में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं एक बार अपने सहयोगी विजय से कहूंगा कि ठीक सामने आप देख रहे हैं कि ये पहली बैरिकेडिंग है, इसके ठीक पीछे भी बैरिकेडिंग लगाई गई है और आप यहाँ पे भी एक नोकझोंक देखने को मिला। अगर बात करें तो एक लगभग 2 घंटे से लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और प्रशासन के बीच कसमकस देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ मौके पर लगभग सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल मौजूद की गई है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं। धीरे धीरे पुलिस बल कार्यकर्ताओं को डिटेन करके और इको गार्डन इन्हें ले जाकर वहाँ रिलीज कर रही है, इको गार्डन जाके छोड़ रही है। मैं एक बार अपने विजय सहयोगी से कहूँगा कि वो आगे जाके आपको दिखाएं कि यहाँ ठीक पीछे लगभग हजारों की संख्या में कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं कि हमें राजभवन जाने दिया जाए, हमें जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, जो हमारा संवैधानिक हक है, उसे ना छीना जाए। यहाँ बैरिकेटिंग को धक्का देते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ता अब उग्र हो रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन को कहीं ना कहीं ये चुनौती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कार्यकर्ता अब धीरे धीरे उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अपने सहयोगी विजय से कहूंगा कि वो तस्वीरों को दिखाएं ठीक सामने से जाकर, और तस्वीर में आप देख रहे हो कि यहाँ कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और ये अपने एक ही मनसे पे आ रहे हैं कि हमें राजभवन जाने दिया जाए। राजभवन जाकर ये राजभवन के ठीक सामने प्रदर्शन करना चाहते हैं और अडानी के मामले को, LIC के मामले को, चाहे प्रदेश के अंदर में गैस की कीमतों के इजाफे के मामले को, चाहे देश के अंदर महंगाई के मामले को, इन सभी मामलों को लेकर ये कार्यकर्ता का कहना है कि हम जो केंद्र में सरकार है, जो राज्य में सरकार है, जो सोई है, उन्हें हम जगाना चाहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन कार्यकर्ताओं को पुलिस बल के जो तमाम जवान हैं वो कैसे इन्हें कंट्रोल करते हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे मयूरी और उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है, लेकिन मैं आपको लगातार देख रही हूँ कि हूटिंग्स आ रही हैं, लगातार नारेबाजी आ रही है। मैं अपने सहयोगी विजय से कहूँगा कि कैमरे से आपको वो आखिरी छोर तक दिखाएं कि आखिर क्या परिदृश्य है यहाँ का। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ये प्रदेश भर से आज कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय आए हैं। ये प्रदर्शन अगर बात की जाए मयूरी तो 2024 चुनाव साथ ही साथ निकाय चुनाव के मद्देनजर वक्तव्य काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर में जो तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में बिखरी हुई नजर आती है और कांग्रेस पार्टी लगातार अपने खोए हुए जमीन को तलाशने में लगी हुई है। यहाँ कुछ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? पीलीभीत से। आज के प्रदर्शन में सम्मिलित होने आई है, क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य यही है कि जो अत्याचार हो रहे हैं इनको बंद किया जाए। कैसा अत्याचार? अत्याचार हो रहा है जनता के ऊपर, महंगाई की मार पड़ रही है, बहुत ज्यादा पब्लिक परेशान है। आप कहाँ से आई हैं? हम भी वही पीलीभीत से आए हैं, बस यही हमारा कहना है कि जो है कि जनता हो तो बहुत परेशान है और इतनी है कि हर चीज से तरस रही है कि हर बात से तरस रही है, हर बात में परेशान है। तो इसलिए तमाम पोस्टरों पर लिखे हैं महंगाई, गैस और तमाम मुद्दों को लेकर। किचन में क्या मुश्किल आ रही है? किचन में तो यही आ रही है, गैस खत्म हो जाती है, 1100 का, 1150 का गैस हो गई है। मैम 35 रुपए किलो आटा हो गया है, 35 रुपए किलो आटा हो गया है, इसका जरा की महंगाई है। 1000 रुपए का सिलेंडर था, 1000 रुपए से 1150 कर दिया, वो भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। महंगाई इतनी हो गई है, अब ये समझ लीजिए कि घर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, रोजगारी है नहीं। मेरा बेटा था उसे नौकरी से निकाल दिया गया, प्राइवेट था,
बेटी थी उसे भी नौकरी से निकाल दिया, प्राइवेट हो गई, बैंकें प्राइवेट हो गई, स्कूल सब प्राइवेट हो गए, सब मेट्रो प्राइवेट हो गई। अब बताइए, आप ये बताइए, संविधा पे जॉब में 11,000 रुपए में क्या हो जाएगा? कोई रोजगार है नहीं। अगर किसी से हम लोन भी अगर लेते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, वो भी नहीं चल पा रहा है, उसका भी नहीं। और अधिकारी जो, मैं एक मुद्दा बहुत अच्छा बताना चाहती हूँ आपको, मोदी जी जो पैसा दे रहे हैं 2.5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें से 50,000 अधिकारी खाते हैं। कैसे कह सकते आप, क्या फरमा रहे हैं आप? क्यों, जो मेरे सामने हो रहा है वो मैं बता रही हूँ, आंखों देखी हाल। अभी मैं आपको यहाँ पर भीड़ हो रही, फोन पे सुना दूँ, 50,000 रुपए जिसने, इसकी शिकायत क्या आपने प्रशासन में की? प्रशासन के पास ही जा रहा है भैया, प्रशासन के पास जा रहा है, वो कह रहे हम तो ऊपर तक दे रहे हैं, और नहीं तो फिर वहाँ से आवास योजना जो है कैंसिल कर देते। बिल्कुल, आप इसे उच्च अधिकारियों तक पहुँचाइए और इस पे जरूर उनके सामने रखिए। हम रखते हैं, सबके सामने रखते हैं, कहीं कुछ नहीं, 10,000 रुपए दे दो और मकान बनाओ या मत बनाओ। तो यहाँ एक बड़ा आरोप लगा रही हैं और इन्हें जरूर उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार का अहम योजना है और सरकार को कहीं ना कहीं इन्हें इनकी बात पर सुनना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ तस्वीरों में देख रही हैं कि यहाँ कुछ कार्यकर्ता लगातार अपनी मांगों पर बैठे हैं, ये यहाँ से उठने, इनको लगातार पुलिस बल यहाँ से उठाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पुलिस बल के जवान को भी चोट आई है, जो यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता उन्हें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी दौरान अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ तस्वीरों में देख रही हूँ कि लगभग 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं ये कार्यकर्ताओं को हटाने में पुलिस बल के जवान लगे हैं, और इससे कहीं ना कहीं गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कार्यकर्ता, माफ करिएगा, पुलिस का जवान यहाँ कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं तस्वीर में कि कुछ महिला नेत्रियों के प्रदर्शन है, क्या कहेंगे? महंगाई के लेकर हम लोग विरोध कर रहे हैं और हमको विरोध करने नहीं दिया जा रहा है। हम वहाँ तक जाएंगे, हम महिलाओं बहुत तंग आ गए महंगाई से, महंगाई खुद लड़ेंगे अपनी लड़ाई, इस सरकार से खुद लड़ेंगे हम अपनी लड़ाई। अगर बात की जाए तो आप लोग लगभग 2 घंटे हो गए हैं लगातार कह रहे हैं कि हम राजभवन जाएंगे। सरकार हो गई बेशरम, उसको कुछ वो नहीं है, न महंगाई से, न उसकी जनता से, न लेडी से, न कुछ, वो अपनी जगह चुप है। हम लोग अपनी लड़ाई खुद अब लड़ेंगे। हो रही है, गुंडों का राज चल रहा है, आदमियों का सुना नहीं जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हमारा देश अंधकार की ओर जा रहा है। कहाँ से आई आप? हम कानपुर से हैं। कानपुर से आई हैं, आप भावुक भी हो गई हैं, क्या हुआ ऐसा? भावुक क्या हो गए, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, इस वजह से ज्यादा चिंता। हमारे यहाँ की सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे यहाँ हम कई दिनों से मतलब की प्रशासन के तब दौड़ रहे हैं, लेकिन किस मामले को लेकर दौड़ रहे हैं? हमारे यहाँ महंगाई के विरुद्ध, ये देखिए चोट, ये है ये प्रशासन का वो। अच्छा, आपको बैरिकेडिंग से चोट लगी? नहीं, खींच कर डंडा मारा है महिलाओं को, डंडा मारा है। तो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं ठीक सामने कार्यकर्ता, कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इनके कुर्ते फटे हैं। आपके कुर्ते कैसे फटे हैं? पुलिस की जबरदस्ती जो घरों में दिखाई दे रही है, हम आंदोलन करने आए हैं, हमारे साथ दिखाई दे रही है। हम अमरोहा से हैं, मेरा नाम सचिन चौधरी है और मैं अमरोहा से हूँ। ये लोग बेरोजगारी की बात नहीं करते, भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, अडानी जैसे माफिया को पालते हैं और दूसरे माफियाओं पर आरोप लगाते हैं, ये किसी माफिया से कम नहीं है। जी, तो एक बड़ा आरोप यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आप जहाँ ठीक पीछे देख रही हैं कि बैरिकेटिंग है, ठीक सामने भी एक नई बैरिकेटिंग बनाई गई है, और इस बैरिकेटिंग से कहीं ना कहीं अगर बात करें तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर राजभवन है, और यहाँ से आप ठीक सामने देख रही हैं कि इन कार्यकर्ताओं को डिटेन करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। मयूरी, जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, साफ तौर पर देखा जा सकता है कांग्रेसी जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखा जाए तो अभी कुछ ही देर में सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, फिर से क्या हंगामे के आसार जताए जाएं?
जी बिल्कुल, अगर बात करें आज सदन के दूसरे सत्र का पहला दिन था और कहीं ना कहीं आज हंगामे की भेंट चढ़ा, जहां 2 बजे सदन फिर से शुरुआत की जाएगी और अगर बात करें तो लगभग 45 मिनट के बाद फिर सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाएगी। मैं अपने सहयोगी विजय से कहूंगा कि एक बैरिकेटिंग वहां से अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, जिसके ठीक बाद एक और बैरिकेटिंग ठीक सामने लगाई गई है और जो डिटेन करने की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। यहाँ आप देख सकती हैं कि कार्यकर्ताओं को हटाने में थोड़ी बहुत नोकझोंक भी प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिली, जिसका नतीजा है कि ऐसे कार्यकर्ताओं के कपड़े भी फटे हैं, कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी आए हैं और ये लगातार नारा लगा रहे हैं कि प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में जो महंगाई है उस पर सरकार को लगाम लगाने की आवश्यकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज कांग्रेस पार्टी के अंदर में इतने बड़े धरना से क्या सरकार को कुछ असर पड़ता है। और अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर बात करें तो ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश के अंदर में जो अच्छे दिन की बात किया करते थे, जो बात करते थे कि महंगाई पे लगाम लगेगी, वो पूरी तरह से विफल नजर आती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हम सोई सरकार को हम जगा रहे हैं, तो इस प्रदर्शन से क्या असर आता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि धीरे धीरे फिर कार्यकर्ताओं को डिटेन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बात करें तो लगभग यहाँ से दर्जनों उसकी संख्या में गाड़ियों को रवाना किया जा चुका है। मैं अपने सहयोगी विजय से कहूंगा कि वो आपको दूर तक दिखाएं कि यहाँ पे भी अगर बात करें तो हर एक कांग्रेस के जो 4 कोने हैं, जो 4 रास्ते हैं, हर एक रास्तों को बैरिकेड से घेर दिया गया है और हर एक जगहों पर प्रशासन पूरे अपने बलपूर्वक यहाँ से कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है और इनको हटाकर इको गार्डन भेजा जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहाँ प्रदर्शन के शुरू होते ही कांग्रेस पार्टी के 2 प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे और साथ ही साथ नसुमुद्दीन सिद्दीकी को यहाँ प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया। यहाँ आप देख रही है कि बैरिकेडिंग खोल के धीरे धीरे कार्यकर्ताओं को यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं कि हम राजभवन जाकर ही रहेंगे। अगर बात करें तो हर एक वर्ग के लोग हैं, चाहे युवा कांग्रेस की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, हर एक जो कांग्रेस पार्टी के विंग हैं, तो सभी विंग के तमाम पदाधिकारी आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रही होंगी मयूरी की ठीक सामने भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को यहाँ पुलिस बल उन्हें बस में बिठाकर डिटेन कर रही है और डिटेन करके लगातार इको गार्डन उन्हें ड्रॉप कर रही है। वहाँ इको गार्डन अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं को इको गार्डन पहुंचाकर और वहां से फिर रिलीज करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जी बता दें, प्रदेश और केंद्र सरकार की विफलताओं के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें लाइव आपको हमारे संवाददाता विवांशु आपको लगातार दिखा रहे हैं। बता दें, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक भ्रष्टाचार पर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। पूरे देश में कांग्रेस नेता आज राजभवन घेराव करने की लगातार मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में कांग्रेस शामिल है। वहीं राजभवन जाने की लगातार वो जिद कर रहे हैं, जिन्हें लगातार रोका जा रहा है। ताने प्रदेश और केंद्र सरकार की विफलताओं के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। लगातार चुनाव को देखते हुए कांग्रेस देश के तमाम मुद्दों को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों को लेकर मैदान पर उतरी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता विवांशु आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। बता दें, ये प्रदर्शन बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक भ्रष्टाचार पर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ हो रहा है। पूरे देश में कांग्रेस नेता आज राजभवन घेराव करने की मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उन्हें लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्हें बस में बैठाकर इको गार्डन छोड़ा जा रहा है, वहां से फिर रिलीज करने की कोशिश की जाएगी। बड़ी खबर आपको
हम दिखा रहे हैं लगातार। आज कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। बता दें प्रदेश और केंद्र सरकार की विफलताओं के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।